वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक आप देख रहे हैं आप जनाब नाजिन वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज का आपके पास आज पहली खबर अच्छा ये वो खबर है जो मतलब सब ने बात कर ली मगर हम हम भी किसी से कम तो नहीं हम भी नहीं, बात नहीं, करेंगे भाई हम अंदाज करेंगे कॉन्फिडेंस बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो भी मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर होंगी वो उनको खूबसूरत होना चाहिए उनको जहीन होना चाहिए और सबसे बढ़कर उनकी मेरी बहनों से बननी चाहिए ये जो बहनों वाली बात में तो आते हैं ये जो खूबसूरती और जहानत की बात है उस पर मेरे ख्याल में आप लोगों को पॉइंट था हाँ नहीं वो तो जिससे भी बंदे की शादी होती है वो

जो नसीह दूंगी ना बिलावल है ना वो ऐसी ढूंढे जिनकी बहने ना हो क्योंकि जिसके जो अपने घर में बहनों के साथ रह के आ रही है ना वो आगे नहीं चाहती की वो और बहनों के साथ डील करे ठीक है उसकी यहाँ पे बहन वो वही पे पड़ी हुई अच्छा जी अगली खबर मेरे पास है हॉकी की दुनिया से हम हॉकी में से बहुत कम डिस्कस करते हैं अपने शो में करनी चाहिए डिस्कस अरे <laughs> हॉकी की दुनिया से ख़बर यह है कि जो एक हॉकी की प्रो लीग होती है उसमें पाकिस्तान शरीक नहीं हुए नहीं हुआ और उसके बाद से उस पर उनको फ़ाइन भी हुआ उसका कि जी आप नहीं हुए और उसके बाद से उन्होंने कहा जी कि जो अब वर्ल्ड कप है उसमें खेलना है तो उसके ऊपर जो हॉकी की एक इंटरनेशनल फेडरेशन है उन्होंने कहा कि जी आपको फ़ाइन अदा करना पड़ेगा क्योंकि आप लीग नहीं खेले तो उन्होंने कहा जी हमने खेलना भी है लेकिन ऐसा करें फाइन की ना किस कर लें तो इससे मुझे सिर्फ इस चीज से एतराज ये है हॉकी हमारी एक इतनी बड़ी स्पोर्ट है हम उसमें ओलंपिक्स में जीते हुए हैं ये कोई छोटी बात नहीं होती लेकिन हॉकी जो है उसके ऊपर तोज्जो नहीं अब फेडरेशन जो है हमारी के पाकिस्तान की फाइन भरें आप लीग में क्यों नहीं गए आप जाए खेलें इससे गेम आपकी बेहतर होगी प्लेयर्स बेहतर होंगे और क्रिकेट के जो मुझो जो ममालिक बहरहाल हॉकी खेलते हैं उनमें से ज़्यादातर जो वो भी आ, क्रिकेट भी खेलते हैं तो जरा इंटरेक्शन भी ठीक रहेगी उनकी मैं समझ नहीं आती हॉकी इतना नागा क्यों नहीं वो बात बड़ी सीधी सी है कि जब से ऑस्ट्रेट आया ना ना हमारे स्टेडियम्स में वो लगा हुआ है ना उस पर हमारी प्रैक्टिस होती है और ख़ासतौर पर रूल्स जब से चेंज हुए ऑफ साइड ख़त्म किया है खाली स्कूप नहीं हिट भी मार सकते हो डी से बाहर भी वो गेम इतनी चेंज हुई हम कोप अप नहीं कर सके हमारी परफॉर्मेंस गिर गई जब हमारी परफॉर्मेंस गिरी तो उसके बाद ब्रांड्स वगैरह स्पोर्ट में आए ही और, नहीं और आप देखें ना कि यहाँ पे कितनी मुश्किल स्पोर्ट है ये मतलब क्रिकेट तो बहुत आसान है ना एक बॉलर है जो दूर से भागता हुआ है बाकी तो ईजी है ये सारे है। ये सारे भाग रहे हैं फिटनेस हां और इसमें मिलता क्या है छह घंटे के सेशन के बाद दो तौलिए और पत्नी सैतालीस रुपए तो और ये अभी तक जो थोड़ी बहुत चल भी रही है वो इसलिए चल रही है कि डिपार्टमेंट्स की की वजह वजह से से डिपार्टमेंट और इस तरह के जो है इनकी एक एक टीम है मैं तो बताता भूल गया कि लीग में भी इसी वजह से नहीं गए थे क्योंकि पैसे नहीं थे वैसे फिर हमारी क्या है नेशनल स्पोर्ट हमारी सोचिए नेशनल स्पोर्ट है हमारी और फिर भी पैसे नहीं है जी कमाल अली आपकी खबर हाँ जी तो मेरी खबर यह है कि शहर को खूबसूरत बनाने का पहला मंसूबा शुरू होने से कबल बंद ओह ये कौन से शहर है लाहौर की बात हो रही है इन्होंने सोचा यह था कि लाहौर के तीन एंट्रीज और एग्जिट्स हैं तो उनके ऊपर सकाफती अंदाज से गेट लगा दिए जाए लेकिन वफाकी हकूमत ने कहा कि जी कोई पैसे नहीं है दौड़ो चलो हाँ डैम तो बनाया नहीं अब गेट बनाने हाँ पंजाब <laughs> गवर्नमेंट ने तो नहीं डैम बनाना था ना उनका है गेट के पैसे भी डैम फंड में डाल दो <laughs> हाँ, वैसे ये है कि इसके बगैर अभी गुजारा हो रहा है गेट हाँ। गेट गेट के बगैर ना भी भी बने <laughs> ये अभी और वैसे भी अगर गेट सेट बना देंगे वहां पर नफरी बढ़ जाएगी पुलिस की नके शाके ये वो अच्छा ये नहीं है ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं है हम गेट के बगैर गुजारा कर रहे हैं ठीक है जी फिजा आपकी खबर अच्छा ये बहुत बहुत क्यूट खबर है ये बिलावल भुट्टो इंस्पिरेशन ले सकते हैं इनसे कि एक जापानी आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था शादी के लिए तो वो पूरी दुनिया उसने ट्रैवल की है और वो फोन में होता है ना मैरी मी और फिर सैटेलाइट इमेज उसको जाके दिखाया इट्स अडोरेबल मगर इसमें सवाल उठता है, है। <laughs> बहुत ही बड़ा चीज है कितनी क्या चंपू <laughs> चंपू कितनी गलत बात है ही इज सो नाइस और मैं सोच रही थी कि इसने इतने कॉन्फिडेंस इतना खर्चा और इतनी मेहनत की है इसको पता था वो मना नहीं करेगी सोच इतनी मेहनत के बाद वो कहती आ, अच्छा चलें, वो तो पता था कि है, है वो अब इसके बाद क्या करेगा वो? वो इनकी लड़ाई होगी ना तो वो मनाने एवरेस्ट चढ़ेगा तब <laughs> तक टॉयलेट बन गए होंगे यही मसला है आप पाकिस्तानी बंदों में आप पाकिस्तानी बंदों से एफर्ट ही नहीं होता

कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मजीद अल्तवा का शिकार <laughs> असल में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और बजट दूसरे तरीके की आती कामों पर खर्च एग्जाम बैंक चाइना से तमाम रुकूम एल डी ए को मुंतकिल क्यों हाँ जी असल में वैसे तो जाहिर है ऑरेंज ट्रेन का फायदा ज्यादा आवाम को होना है लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एल डी ए सिटी वाले प्लॉट जल्दी डिवेलप करके आवाम के हवाले किए जाए तो एक तो मसला ये है कि हुकूमत को लगता है कि चाइना दूर है और कोर्ट करीब है तो पहले इनकी पूरी कर दो दूसरी चीज एक लिहाज से ठीक भी है और वो ये है कि अगर इस हकूमत ने एल डी ए के और मनसूबे बनाने हैं और बेचने हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब पिछले डिलीवर हुए होंगे इसी तरह जिस तरह ये नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी आ रही है ये तभी बिकेगी अगर पिछले पी एच ए वाले आई ट्वेल्व आई सिक्सटीन वगैरह डिलीवर हुए होंगे तो अगर हुकूमत ये नहीं करेगी तो फिर ये तो आप भूल जाएं कि लोग इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे मुझे तो बल्कि स्टेट लाइफ का भी ये है कि लोग पॉलिसीयां क्यों खरीदेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी फेज टू के नाम पे स्टेट लाइफ ने अपने इंप्लॉयज़ को दो हजार तीन से टांगा हुआ है आपकी बात इसमें पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अपने अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं रहेगा लेकिन यार मैं ऑरेंज लाइन के लिए मुझे हमेशा ना अफसोस पड़ा होता है कि एक अच्छी इतनी अच्छी है बुरी है पैसे कितने लगे सब छोड़ दें इतनी कम्पलीशन की तरफ एक चीज पहुंच गई ट्रेने आपके पास है लोगों की जरूर, जरूरत है उसको कंप्लीट करें आपने उसका बजट उठा के यहाँ दे दिया ऐसी चीज है जो एक जरूरत है खासतौर पे लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे आपको इतना कम्यूट करना पड़ता है आ, वो ज़्यादातर है कुछ हिस्सा उसका अंडरग्राउंड है बट वो जो हाँ अच्छा। वो है बहुत अच्छी चीज है और हमें देखने में भी वो बड़ी जबरदस्त लगेगी जी घूम रही है शहर के अंदर फिजा आपकी खबर अच्छा <laughs> प्रीति जिंटा पश्तो जुबान सीख रही हैं उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो एक अफगान खिलाड़ी जिनका नाम है मुजीबुर रहमान उनके साथ पश्तो जुबान सीखती हुई नजर आई है <laughs> मेरा ख्याल है कि वो पश्तो सीख रही हैं अपने टीममेट से कम्युनिकेट करने के लिए वो हमारी पश्तो फिल्मों में कास्ट नहीं हो सकती उनकी सेहत इजाजत नहीं देती अच्छा शायद मैंने हद से पश्तो फिल्में कम देखी हैं उनकी

ये अभी दो खबरें और हैं उसके बाद <laughs> <laughs> हाँ जी मेरी खबर ये है धागे की की ने कर दिया। उन्होंने कि एक्सपोर्ट तो अच्छा तो हो जाएगा तो हम टेक्सटाइल वाले क्या करेंगे फिर हमारा धागा जाएगा चाइना वो मेड इन चाइना कपड़ा बन के आएगा फिर हम वापस लेंगे वो हम पहनेंगे नहीं तो हमने एक वो भी तो यही हो रहा है और क्या है अच्छा वाला फल सारा जी बाहर भेजी जाओ जो, जो अच्छा मंगवाना अभी वो अपने ही वापस <laughs> मंगवा रहे हैं ये यह तो यही वाली बात है बिजनेस ना लोकल इंडस्ट्री को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे ये तो <laughs> अब मसले मसाइल बहरहल है, <laughs> तो है वो डबल प्राइस पे हो जाएंगे हाँ वरना फिर बुरे धागे पे सिलना शुरू हो जाएगा जो रह जाएगा ना उसके ऊपर सिलना शुरू हो जाएंगे लेकिन वो लॉन्च होने वाले मैनेज कर रहे हैं जो लॉन बना रहे हैं उनकी अपनी टेक्सटाइल मिल रहे हैं वो अपना रख लेंगे अपना धागा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ भी ये हो रहा है अच्छा वाला सारा जो है बाहर चला जाता है और यहाँ जो रह जाता है और वो उसका रेट आपको पता नहीं? ना चिरगोजों का जो आखिरी दफा जिंदगी में कब चरगोजे देखे थे मैं जब